बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज करना जी को 3x1 + 5x2. और ये सेट ऑफ कंस्ट्रेंट है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट, सेकंड कंस्ट्रेंट एंड थर्ड कंस्ट्रेंट. इसी क्वेश्चन को अगर मैट्रिक्स अलजबरा में मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है. सो ये कोफिशेंट ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल है 3 and 5 इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन 0. और ये कोफिशेंट ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल है इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. दैट इज लेस देन इक्वल टू 4, 12. एंड ये राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट है 4, 12 and 18. सो ये मैट्रिक्स सी है, ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए बनेगा और ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स बी बनेगा. अगर इस प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं थ्रू द सिंप्लेक्स मैथड तो ये हमारी बेसिक आइटेशन है. यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल इन इक्वेशन 0 -3 और 5 -3 और 5 माइनस साइन के साथ. उसके बाद ये वाला पोर्शन कोफिशेंट ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल x1 and x2 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2. इसके बाद कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इन इक्वेशन 0 यानी इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल के जो कोफिशेंट है वो 0, 0, 0. और उसके बाद इक्वेशन 1 में s11 है, इक्वेशन 2 में s21 है और इक्वेशन 3 में s31 है. राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट ये जब आप इसे सॉल्व करते हो बेसिक आइटेशन आइटेशन 1 आइटेशन 2 और उसके बाद कोई आइटेशन के बाद आप फाइनल आइटेशन आपके पास आ जाएगी. सो ये वो फाइनल आइटेशन है. इस फाइनल आइटेशन में अगर आप देखें तो ये s1 s2 s3 कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल्स इन इक्वेशन 0, इसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं 0, 3 over 2, 1, 0, 3 over 2, 1. इसे वाइस्टेरिक का नाम देते हैं. लेकिन अगर हम अपनी टेबल में देखें तो ये CB B inverse बनता है. ये वाला पोर्शन बनता है कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इन इक्वेशन 0, कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इन इक्वेशन 0. ये जो पोर्शन है ये कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल्स हैं इन इक्वेशन 1, 2 and 3. ये बी इनवर्स बनता है कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इन इक्वेशन 1, 2, 3 up to equation m. सो 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 over 3, 1 over 2 और -1 over 3. इसके बाद 1 over 3, 0, 1 over 3, 0 and 1 over 3. इसे हमने बी इनवर्स का नाम दिया और ये एस्टेरिक है. सो ये कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल्स हैं इन इक्वेशन 0 एंड कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल्स इन इक्वेशन 1, 2, 3 up to equation m. हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3. ये फाइनल आइटरेशन में कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इन इक्वेशन 0, फाइनल आइटरेशन में कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इक्वेशन 1, 2 and 3. नाउ फॉर एग्जांपल जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी वो 3x1 + 5x2 थी, यानी कि 3 और 5 कोफिशेंट ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल थे इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. और यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल इक्वेशन 1, 2 and 3 और ये राइट साइड में कंस्ट्रेंट थी. फॉर एग्जांपल मॉडल जो है वो रिवाइज हो गया, जहाँ पर 3, 5 था वहाँ पर 4, 5 है. और सेट ऑफ कंस्ट्रेंट में हमारे पास 1, 0, 3 था, यहाँ पर 1, 0, 2, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2 as it is, 4, 24. यहाँ पर हमारे पास 12 था. सो राइट साइड ऑफ कंस्ट्रेंट यानी रिसोर्स भी चेंज हुआ और पैरामीटर की वैल्यूज़ भी चेंज हुई. तो अब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है. एक मेथड तो बिल्कुल सिंपल सा है कि फिर आप बेसिक आइट्रेशन से स्टार्ट करें और फाइनल आइट्रेशन तक आ जाएं. दूसरा मेथड ये है कि अगर हम फंडामेंटल इंसाइट यूज़ करें, जो कि ये कहता था कि अगर आपके पास फाइनल आइट्रेशन से कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल मौजूद हैं, यानी कि वाई स्टेरिक और एस स्टेरिक मौजूद हैं, यानी कि सी बी इनवर्स और बी इनवर्स मौजूद हैं, और आपके पास जो मैट्रिक्स है ए बी और सी भी मौजूद हैं, तो जो फाइनल आइट्रेशन है आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो. यानी कि ये वाली जो फाइनल आइट्रेशन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नोटेबल थिंग इज़ दैट यहाँ पर लिखा हुआ है सी बी इनवर्स हमारे पास मौजूद हैं. CBB inverse यह है 0, 3 over 2, 1. CBB inverse 0, 3 over 2, 1. और CBB inverse को हम मल्टीप्लाई करते हैं A के साथ.
सी बी बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ और सब्ट्रैक्ट करते हैं सी से। सी बी बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ए के साथ और सब्ट्रैक्ट करते हैं सी। ये सी बी बी इनवर्स है, ये नई मैट्रिक्स ए है जो कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये रिवाइज मॉडल मॉडल में मैट्रिक्स ए था 1 0 2 0 2 2 1 0 2 0 2 2 माइनस सी। रिवाइज मॉडल में जो सी था वो 4 5 था। ये आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा आपके पास इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। ये है सी बी बी इनवर्स। ये कोफिशेंट ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल है फाइनल आइट्रेशन में इन इक्वेशन ज़ीरो। सो हमारे पास माइनस टू एन ज़ीरो आया। कोफिशेंट ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, ये ओरिजिनल वेरिएबल है इन इक्वेशन ज़ीरो, ये ज़ीरो इक्वेशन है और एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू हमारे पास आई माइनस टू ज़ीरो। सो माइनस टू और ज़ीरो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद कोफिशेंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इन द फाइनल आइट्रेशन इन इक्वेशन ज़ीरो सी बी बी इनवर्स। तो हमारे पास सी बी बी इनवर्स जो है ये मौजूद है सी बी बी इनवर्स 0 3 ओवर 2 1। सो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर 0 3 ओवर 2 1। और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है सी बी बी इनवर्स बी, राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट सी बी बी इनवर्स बी। ये है सी बी बी इनवर्स बी, ये पोर्शन सी बी बी इनवर्स है यानी कि सी बी बी इनवर्स ये पोर्शन है और बी राइट साइड ऑफ कंस्ट्रेंट। रिवाइज मॉडल में राइट साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट हमारे पास 4 24 एंड 18 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 54 है। सो 54 हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद कोफिशन ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल इन इक्वेशन 1 to अप टू m, हमारे पास 3 इक्वेशन है बी इनवर्स ए। सो यहाँ पर हमारे पास बी इनवर्स ए मौजूद है, ये बी इनवर्स है और ये ए मौजूद है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 1 ओवर 3 0 2 ओवर 3 0। सो हम लिखते हैं 1 ओवर 3 0 2 ओवर 3 0 1 0। बी इनवर्स ए के बाद हम देखते हैं बी इनवर्स यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इन इक्वेशन 1 2 अप टू m, हमारे पास इक्वेशन 1 2 3 है बी इनवर्स। बी इनवर्स हमारे पास पहले से मौजूद है, इसे हमने एस टेरिक का नाम दिया था। ये बी इनवर्स है, ये एस टेरिक का नाम 1 0 0। सो 1 0 0 1 ओवर 3 1 ओवर 2 1 ओवर 3 1 ओवर 2 -1 ओवर 3 और -1 ओवर 3 -1 ओवर 3 0 एंड 1 ओवर 3। इसके बाद फाइनली हम देखते हैं बी इनवर्स बी। सो हमारे पास जो बी इनवर्स बी है वो भी मौजूद है, बी इनवर्स बी। सो ये बी इनवर्स है और ये मैट्रिक्स बी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 6 12 और -2 6 12 माइनस टू। सो हमने फंडामेंटल इंसाइट यूज़ की। हमारे पास जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था उसकी फाइनल आइटरेशन से कोफिशन ऑफ स्लैक वेरिएबल इन इक्वेशन ज़ीरो, जिसे वाइस टेरिक का नाम दिया था, सी बी बी इनवर्स है और कोफिशन ऑफ स्लैक वेरिएबल इन इक्वेशन 1 2 3 अप टू m, हमारे पास 3 इक्वेशन थी, इसे हमने बी इनवर्स का नाम दिया था एस टेरिक। सो अगर हमारे पास कोफिशन ऑफ स्लैक वेरिएबल मौजूद है, ये मैट्रिसेस वाइस टेरिक और एस टेरिक मैट्रिक्स मौजूद है फ्रॉम द फाइनल आइटरेशन, और साथ में हमारे पास ये हमारा रिवाइज मॉडल था, मैट्रिक्स सी ए और बी भी मौजूद है, तो जो फाइनल आइट्रेशन है ये हम इनके फंडामेंटल इनसाइट को यूज़ करते हुए हम फाइनल आइट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरी की पूरी टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर देखा, जैसे हमने पैरामीटर्स और रिसोर्सेज को चेंज किया तो हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो चेंज हो गया।